एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, लोग किसको ज़्यादा पैसे देंगे? एक जो कुछ भी कैजुअल्स वगैरह कुछ भी पहन के आ गया है, या उसको जो प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप है, सूटेड है, शेव्ड है, अच्छे बाल में जेल लगाई हुई है, तेल लगाया, जो भी है, अच्छे से कॉम्ब किया हुआ, अच्छे से हेयर कट किया हुआ है, किसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे? ऑब्वियसली प्रोफेशनल को। अभी आपने एक एप्लीकेशन देखी है अर्बन क्लैड। अर्बन क्लैड क्या है? वो जो ऐसा सेक्टर है जो डाइवर्स सेक्टर था, जो ब्लू कॉलर जॉब्स थे और ब्लू कॉलर एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉयज थे, जो ब्लू कॉलर स्किल्ड पीपल थे, उनको क्या किया उन्होंने, एक साथ लेके आ गया, उनको प्रोफेशनल बना दिया। मतलब पहले कारपेंटर आता था, कैसा होता था कारपेंटर, कैसे भी कपड़े पहना है, कुछ भी किए हुआ है, और आके इतना दाम चार्ज करके जाता था। पर अब अर्बन क्लैड में अगर आप किसी को बुलाएंगे तो एकदम प्रोफेशनल की तरह आएंगे। मसाज वाले, अब उनको बुलाइए तो क्या वो प्रोफेशनल नहीं दिखते? 100% प्रोफेशनल दिखते हैं। तो ऑब्वियसली आपका इंप्रेशन उनके दिमाग में ज़्यादा हो जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप रास्ते से चले जा रहे हैं, आपको भूख लगी, आपने रोड साइड में वड़ा पाव ले लिया। अब वड़ा पाव का कितना दाम है वहाँ? 10 रुपया, मैक्सिमम चलो 15-20 रुपया, ठीक है, रोड साइड। वही वड़ा पाव आप गोली वड़ा पाव पे चले जाइए, कोई भी वड़ा पाव, यू नो, आउटलेट पर चले जाइए, उसका दाम कितना होगा? 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है। उसमें अलग अलग वेराइटीज भी हैं, चीज़ वाला वड़ा पाव है, अलग अलग वड़ा पाव है। तो 10 रुपया जो हाँ आपको रोड साइड से मिलता था, यहाँ आपको 40-50 रुपये में मिल रहा है, कितना 5 गुना फर्क है। आप देख रहे हैं कि सर्विस कितनी अलग है। शायद वड़ा पाव सेम ही है, सेम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, सेम पाव यूज़ करते हैं, वो भी सेम यूज़ करते हैं, पर फ़र्क है उनका ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, मार्केटिंग, वो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। तो अगर आपको देखेंगे, अपने आप को देखिए, अभी आप अगर अपने जॉब में या बिजनेस में जाते हैं तो आप प्रोफेशनल हैं या एमेच्योर हैं? मैं अभी अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, वो CA हैं और वो अभी CA लोग को ट्रेनिंग देते हैं प्रोफेशनल कैसे बनना है। और ये CA कैटेगरी में मुझे डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को देखा है, वो अपने आप को पहले तो प्रोफेशनल समझते नहीं है दिमाग में, तो ऑब्वियसली अपना चार्ज कम रखते हैं। नंबर दो, वो दिखते नहीं है प्रोफेशनल की तरह। आप एडवोकेट को देखेंगे, डॉक्टर्स को देखेंगे, वो प्रोफेशनल दिखते हैं, बट CA कुछ भी पहन के आ जाते हैं, चप्पल में होंगे, कुछ भी होंगे। अब मैं नहीं चाहता किसी को ठेस पहुंचाऊं, बट ये रियलिटी है। अगर आप चप्पल में कहीं चले जाएंगे तो आपकी वैल्यू उतनी ही परसीव्ड वैल्यू दिखेगी, पर आप सूटेड रहेंगे, बूटेड रहेंगे, तो आपकी परसीव वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर होगी। चाहे आप एक लफ्ज़ भी ना खोलें मुँह से, एक लफ्ज़ भी ना बोलें, पर आपकी परसीव वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी जहाँ आप सूटेड पहन के गए हैं।